और एसएफडी के लिए पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, इसको फिर से लेते हैं हम। तो फिक्स बीम को देखें तो यहाँ पे वापस से लेते हैं, समेशन वी बराबर जीरो लगाएंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री यू डी एल प्लस फोर थर्टीन। तो आर ए प्लस आर बी जो है वो नाइन प्लस फोर थर्टीन आ जाएगा। और मोमेंट लेना है ए पर हमें, तो सारे ही फोर्सेस और मोमेंट्स का मोमेंट लेना है। तो मोमेंट ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है हमें, आर बी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ए के अबाउट आर बी इंटू सिक्स, यू डी एल हुआ थ्री इंटू थ्री, सेंटर पैक करेगा तो दूरी हो गई 1.5 मोमेंट के लिए, और 4 इंटू 4.5 हो गई 4 किलो न्यूटन के फोर्स के लिए, और एमबी हो गई एमबी भी क्लॉकवाइज। ये एक दो तीन मोमेंट्स हो गए क्लॉकवाइज, और एमए और आरबी हो गया एंटी क्लॉकवाइज ए के अबाउट। तो इक्वेशंस जो बनाएंगे वो हमारे पास में रिएक्शन फिक्स बीम के रिएक्शंस के लिए बनी, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री प्लस फोर थर्टीन, और ए पर मोमेंट लेने पर यू डी एल का मोमेंट थ्री इंटू थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव प्लस फोर इंटू फोर पॉइंट फाइव प्लस ये एम बी 6.19 इक्वल्स टू हो गया एम ए प्लस आर बी इंटू सिक्स, एम ए 7.31 और आर बी इंटू सिक्स। यहाँ से आर बी की वैल्यू निकालेंगे तो 5.06, और इस इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करके आर ए की वैल्यू निकालेंगे तो 7.94। अभी रिएक्शन आर ए से शुरू करें साइन कन्वेंशंस मान करके, तो आर ए की वैल्यू 7.94 ए पर, फिर उसके बाद में 9 लेस हो जाएगी इसमें से यहाँ तक आते आते यू डी एल के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 1.06, फिर कोई चेंज नहीं है, फिर 4 और नीचे आ जाएगी, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है तो 5.06, और फिर ये वैल्यू 5.06। तो इस तरीके से ये हमारे पास में एसएफडी प्राप्त हो जाता है, और बीएमडी हम पहले बना चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम में खास बात यही है कि हमें ये जो इतना पोर्शन है पैराबोला का, इस पैराबोलिक पोर्शन का एरिया और उसका मोमेंट, ये हमें स्पेशली निकालना होता है। तो वो मैंने एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन और एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन का ए पर मोमेंट, इसको लेने के लिए मैं फिर से थोड़ा टाइम है तो इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये ऑर्डिनेट एक्स दूरी पर एम एक्स जो है वो ये आया है, और एम एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रिप का एरिया हमारे पास आ जाएगा एम एक्स इंटू डी एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन लिमिट 0 to 3 तो जो है वो हमारे को इस सारे का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि हमने एक स्ट्रिप का एरिया लिया है और उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3 तो हमारे को एरिया मिल जाएगा। तो इसमें इस तरीके से एम एक्स और डी एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे अगेन, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री की वैल्यू प्लेस कर देंगे, जीरो से कुछ वैल्यू आएगी नहीं, तो हमारे पास ये एरिया आ जाता है 21.375। अब हमारे पास ये एरिया था एम एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्ट्रिप का मोमेंट हमें मिल जाएगा, तो एम एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स, तो एम एक्स हमारे पास ये है डी एक्स है और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस स्ट्रिप का एरिया का मोमेंट हो गया, और उसको हम 0 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे एरिया का मोमेंट हमें ए पर मिल जाएगा। तो 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करने पर इस एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें एक्स स्क्वायर और इसको करेंगे तो एक्स क्यूब, अब इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। वैल्यू प्लेस करेंगे तो 3 की वैल्यू प्लेस करने पर 0 की तो वैल्यू से कुछ वैल्यू आएगी नहीं, तो दोनों वैल्यूज प्लेस करने पर हमारे को ये मोमेंट मिल जाएगा पैराबोला का। इसीलिए मैंने यहाँ पे सफिक्स पी लगा दिया है, ये हमने पैराबोला को अलग से हैंडल किया है, और बाकी के तीनों एरियाज
का एरिया और तीनों एरियाज का मोमेंट ये ट्राइंगल्स जो हैं उनका हमको अलग से ऐड करना है। फिर ये यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम अब यहाँ स्टार्ट होगी। एरियाज दोनों बराबर, म्यू डायग्राम का एरिया बराबर म्यू डैश डायग्राम का एरिया फर्स्ट इक्वेशन होती है, तो ये और फिर उस सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पैराबोला का जो हमने ऊपर एरिया निकाल लिया है और एरिया का जो मोमेंट निकाल लिया है वो सीधे ले लेंगे, और बाकी ट्राइंगल का एरिया ये हमने यहाँ निकाला है और उसका जो मोमेंट है वो हमने ये इस तरीके से निकाला है, तो वो हमने बाद में इसमें जोड़ दिया है। इसमें पैराबोला का एरिया और पैराबोला का मोमेंट हमने सीधे जोड़ा है चूंकि ऊपर निकाल चुके हैं। उससे दो इक्वेशंस बन रही हैं हमारे पास में, एम ए प्लस एम बी की वैल्यू आ गई और एम ए प्लस टू एम बी की वैल्यू आ गई। इनको लेस करके एम बी निकाल लिया और वापस से इस इक्वेशन में रख के एम ए निकाल लिया। इस तरीके से हम एम ए और एम बी निकाल के और फिर रिएक्शंस निकाल करके फिक्स्ड बीम के वो हम एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ कर सकते हैं।